नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। का जो दुर्गा पूजा है, हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शाम को आयोजित होता है। स्थानीय कलाकारों के द्वारा मंच होता है छोटा सा, और हम लोग शांतिपूर्वक घरेलू पूजा जैसा उसको 4 अक्टूबर को षष्ठी का दिन में माँ का आराधना और स्थापना के साथ में शुरू होता है। 5, 6, 7, 8, 4 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी कलश स्थापना, पूजा पाठ आदि के साथ मनाते हैं। इस बरस 56 साल में पड़ रहा, 50 बरस से हम लोग विसर्जन को सुबह में करने का निर्णय किए हैं। से जो है इतना लंबा रूट किसी का नहीं है विसर्जन मार्ग, और सभी का सहयोग रखता है। हम लोग द्वादशी का दिन में 10 तारीख को सुबह विसर्जन करते हैं। विगत 3-4 साल से ये ट्रेडिशन बनाए हैं कि सुबह विसर्जन करेंगे, सभी का सहयोग रखता है, लंबा रूट है। तपन दा तपन जी, आप अपना विचार रखिए। चित्रकूटा नीचे बाजार दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से सभी इस मीटिंग पे आए हुए सभी पार्षदगण एवं हमारे माननीय थाना प्रभारी सर और हमारे शेखुंडा के डब्ल्यू बाबू सर, हमारा ये पूजा विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों, चाचा, बड़े पापा और सभी हमारे पूजा कमेटी के मेंबर एवं सदस्य परिवर्तन किए हैं। जिस पद को परिवर्तन करके तपन का जो हमारे साथ आए हुए हैं, इनको हम लोगों ने सेक्रेटरी पद के लिए चुना है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूजा में सब परिवार कैसे एक साथ करके हम लोग पूजा को मनाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे और भी छठ पूजा हो। 5, 6, 7, 8 4 दिन हमारा प्रतिमा रहती है। 8 तारीख को हम लोग संध्या शाम या 8 बजे हम लोग प्रतिमा को निकालते हैं। प्रोसेशन रूट जिसको विसर्जन करते हैं, माँ को निकाल के हम लोग चौक तक मेन बाजार तक आते हैं, फिर उतरेंगे या करते आ रहे हैं। उसमें नीचे बाजार की ओर से जो मूर्ति हमारी जाती है, पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस एरिया के जो नली है, नाली नाला वगैरह है, पूरा ओपन है, तो मैं इसको परमानेंट कभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी समय बहुत कम है। टेम्पररी बेसिस पे कुछ सहयोग किया जाए या हेल्प किया जाए। फिलहाल कुछ साल नहीं, कई सालों से मैं खुद भी देख रहा हूँ और हमारे सभी यहाँ सभा का संचालन करता मान्यता और हमारे प्रशासन के बाबू, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, सिटी मैनेजर और प्रशासन सरकार, हमारे क्षेत्र में विगत 50 वर्षों से आगे से ही पूजा हो रही है। चिकुंडा ऊपर बाजार में जिनका अध्यक्ष हमारे अनिल जी हैं, और जो प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश होगा उसको हमारे कमेटी मानेगी, उसी को फॉलो करेगी। और मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था के लिए टीम है। इस सभा के अध्यक्ष हमारे आरक्षी निरीक्षक साहब थाना प्रभारी महोदय, गुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे डब्ल्यू जी, हमारे कुमार जी ओपी के, हम लोगों का जो लाइट है उसका व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। कल आया था साइट जांच करने के लिए, जांच करके गया है और झरियाबाग इधर लाइट पूरा एकदम बंद है। हाँ, बस बस यही उम्मीद है, और सफाई व्यवस्था करना हम लोग सभी मिलकर करेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी पारा का जो मूर्ति कालनगर पुलिस इंस्पेक्टर हम ऑफिसर इंचार्ज उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय और उसे हमेशा मनाया जाता है। गोस्वामी पारा वाला कालनगर से पार करते हैं दिन में, जो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से पार होता है। इस पर हम एक बार बिंदु रखूंगा कि बताया हुआ होता है, इसलिए गार्जियन अपने बच्चे को अपने साथ ही रखें, जिससे किसी तरह का कोई किसी तरह की घटना ना हो, बच्चा भटके नहीं।
इसके बाद ट्रैफिक का व्यवस्था बहुत ही खराब रहता है। ध्यान दें पानी के लिए तो मुख्य समस्या यहाँ के स्तर आपको अधिक है। आज हमारे नगर के अध्यक्ष साहब डब्ल्यू जी उपस्थित संचालन करते मानिंदा बड़े भाई कुछ नहीं है, ये बहुत दिन से चलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोगों इंस्पेक्टर साहब को सुझाव देना है क्योंकि ये दुर्गा पूजा में ये पहली बार इनके नेतृत्व में दुर्गा पूजा हो रहे हैं, तो विशेष यही है इंस्पेक्टर साहब को मैं यही सुझाव दूंगे कि सभी दुर्गा पूजा का कमेटी को अपने टीम बना दे और उनको अपना बैच दे दे। चार दिन का पूजा के कमेटी में जो करे वैसा सबको बैच दे दे ताकि वो उनका मोबाइल नंबर उनका नाम फुल एड्रेस और उसको भाग दिया जाए कि उस कमेटी का जो दुर्गा मंदिर का कमेटी हो उस पर कड़ी नजर रखे कि कहीं कोई ऐसा बात ना हो या बेच लगा के भी कोई गलत काम नहीं करे। मेला लगता है जैसे उस जगह में थोड़ा प्रशासन को कड़ी नजर रखना है। बाकी हम लोग का जितना शांति समिति का सदस्य हैं हम लोग पूरा एक्टिव रहते हैं और सभी शांति समिति का सहयोग रहता है। जय हिंद जय भारत। आज के अध्यक्ष बड़ा बाबू और डब्लू भाई मानिक दा और तमाम बुजुर्गों और दोस्तों बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सबसे है मेरा दो तीन बात कि जितना हमारे पूजा कमेटी के लोग हैं वॉलंटियर ज़्यादा से ज़्यादा रखें, 24 घंटा वॉलंटियर संदिग्ध लोगों पर ध्यान रखें और ऐसा कुछ मिल जाए तो तुरंत प्रशासन के जिम्मे लगें। दूसरी बात टेम्पू स्टैंड हमेशा पूजा में आ जाता है सहारा इंडिया के पास, उस टेम्पू स्टैंड को यहाँ लाया जाए क्योंकि लोगों को राहत मिले ट्रॉफिक। तीसरी बात है कुमार टीवी पूल अग्यार कुंभ मेला में जाने आने में बहुत कठिनाई होती है, वहाँ विशेष करके पुलिस बल दिया जाए क्योंकि जाम से लोगों को निजात मिले। यही बातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शांति समिति के सभापति थाना प्रभारी साहब इंस्पेक्टर साहब और आज इस मंच के संचालन कर रहे श्री डब्ल्यू बावरी जी, नागरिक समिति के सभी सम्मानित गण, वार्ड पार्षद, दुर्गा पूजा कमेटी के सभी बंधुगण, आज दुर्गा पूजा का आशा करते हैं कि हम लोगों का दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े लोगों को तो पूजा करते हैं बच्चों लोगों का एक यानी के वॉलेंटियर जो भी रहे अगर किसी तरह का कोई हरकत या कुछ नजर आए तो उसे यह जानकारी दे देना है कि उसे पुलिस के हवाले दे दें प्रशासन को दे दें, अपने से वॉलेंटियर जो भी रहेंगे उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। इत्यादि का माहौल है कि सभा की अध्यक्षता कर रहे एवं वार्धवी के थाना प्रभारी चिरकुंडा सुरक्षा व्यवस्था बनी है और सिर्फ पुलिस प्रशासन का कर्तव्य नहीं है इस शांति को बनाए रखने की, उनसे कई गुना ज्यादा हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग करें। चिरकुंडा थाना के इंस्पेक्टर साहब इसमें मुख्य तो दो तीन चीज देखना है, जैसे आपका ट्रैफिक का व्यवस्था मतलब हैवी व्हीकल शाम को चार बजे के बाद खत्म कर दिया जाए और बिजली और पानी का व्यवस्था के लिए उनका जो पदाधिकारी उनको भी इस मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक होता है क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सुझाव लिया जाता है। बड़ाकर ब्रिज का जो लाइट का कमी और जो उसमें गंदगी पेड़ हो गया, हम सिटी मैनेजर साहब लोग को बोलेंगे चिरकुंडा नगर परिषद तत्काल उन पर आज काम किया जाए और जो नाला वगैरह है अगर हमारे नगर परिषद में ब्लीचिंग वगैरह है उसकी घटना पे थाना को सूचना दें। शांति समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता
हमारे बड़े भाई श्री काजल चक्रवर्ती जी अपना विचार को संक्षिप्त में रखने का कृपा करें। श्री काजल आज के सभा के सभापति महोदय हमारे कोचिंग जी खन्ना अल्बर्ट अमानी जी और सिटी मैनेजर जो और हमारे हेमरम साहब और उपस्थित हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और हमारे इस कम्युनिटी के मेम्बरों और गण्यमान्य व्यक्तियों सभी को मेरा दुर्गा पूजा। अभी हमारे बहुत से साथी लोग दुर्गा पूजा के बारे में बहुत सी चीज का एक बिगेस्ट पर्व फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल हम लोग खाली चिरकुंडा में नहीं पूरा देश में और विदेशों में मनाया जाता है। हमारे समाज में बहुत फ्लेक्सिक लोग होते हैं, एंटी सोशल लोग होते हैं और हमारे पूजा में डिस्टर्ब करने के लिए जाते हैं। बचपन में हम लोग देखे थे कि हम लोग में उत्सव मनाते थे बड़ी खुशी खुशी, इतना ना पीस की जरूरत था ना सिक्योरिटी का जरूरत। ये हमारे जो दुर्गा माँ हम लोग जीवंत के रूप में बंगाल का कल्चर इधर पे भी है और बंगाल के कल्चर में हम लोग का पूजा पार्वण भी होता है। आप लोग ने सुने होंगे कि आनंद मठ अगर पड़े होंगे तो हमारे ये महिषा मर्दिनी के रूप में पूजा करते हैं, सिंह वाहिनी के रूप में पूजा करते हैं, नवरात्रि के रूप में पूजा करते हैं। हम लोग हर एक देवी को विभिन्न रूप में हम लोग ये क्षेत्र में हो या देश में हो हम लोग पूजा करते हैं। सब मिल करके हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा को मनाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, हमारे भी कोई सजेशन है जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा, जो हमारे जो व्यवस्था है वॉलंटियर को बैच दिया जाए, यहाँ पर हमारे जो वल्गैरिटी गाना नहीं हो, वल्गैरिटी गाना नहीं बजे और वल्गैरिटी गाना चिंता शुरू हो गया है। छिन्ने में तो यहाँ पर एक्सपर्ट हो गया, लेकिन हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे चिरकुंडा के जो बेस्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हमारे एक्टिव भी है। पुलिस से जो लोग नहीं डरते हैं उसके एक्टिव जैसे डरते हैं। पूजा के पूर्व आयोजित शांति समिति के बैठक के माननीय बंचा सिंह चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष और अन्य पुलिस प्रशासन से जुड़े पद, जहाँ शांति है वहाँ अशांति की भूत भी सवार आता है। हमारे शरीर में हमारे आचरण में ही दो प्रवृत्तियां काम करती है, गंभीरता से न ले या व्यस्तता के कारण वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो अस्वस्थ है कि चिरकुंडा की पुलिस और प्रशासन पब्लिक बहुत शांति प्रिय है, हो सकता है इसलिए उन लोगों को मौका नहीं मिला। काम तो हर जगह पर है, तोड़ना भी अपराध है। इसलिए सभा के और कुमार डुबी का बीट रोड का थाना प्रभारी महोदय के सदस्यगण और नॉन निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद और हमारे पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी जगह। और मैं दुर्गा पूजा के पक्ष में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने जो लोग बोल रहे हैं वो भी सेवा करना है प्रशासन के जरिए, छोड़िएगा नहीं। और हम अपना चेयरमैन से मैं बात करने जा रहा हूँ, दुख नहीं मानेंगे। जब हम चेयरमैन थे तो कुत्ता जो मिट्टी काटता था तो यहाँ सुई देते थे, सुई दिलवा देते थे, ये हफ्ता फंड होता है। और दूसरा में जो माय थान में जो अभी पानी हम लोग पी रहे हैं, कब से हफ्ता में रखा है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, झारखंड में कोई माँ का लाल नहीं, एक माँ लाल है मुरलीपुरी, जो आज मंत्र को मिल रहा है वो निर्वाचित का यहाँ को नहीं बोलना चाहिए, शांति समिति का बात करना चाहिए। मैं आपको सभी को मैं बोल रहा हूँ, हाँ हम सुनने के लिए आप पीडब्ल्यूडी के बुलवाइए, बिजली विभाग को बुलवाइए, हर चीज जो है अपना अपना लोग जो है, जैसे लाइट चल जाता है पानी वाला समस्या जरूर होना चाहिए।
जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि यहाँ हम लोग छात्र समिति का गठन कर रहे हैं, कृपया जो भी आज सेलिब्रेशन हॉल में उपस्थित इंस्पेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, सिटी मैनेजर और यहाँ पर उपस्थित सभी शांति समिति के सदस्य लोग, प्रभारी बंधु, सभी को मेरा नमस्कार और आने वाले पर्व दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी शांति समिति के सदस्य लोग हैं, अगर वो अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो कृपया करके अष्टमी, नवमी, दसवीं को हर पंडाल में जाके कम से कम एक या दो घंटा बैठे हों। आपकी उपस्थिति वहाँ पर बहुत अच्छा फायदा करेगा। अगर आप दो घंटा बैठते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत अच्छा वो कार्यक्रम होगा, या पूजा जो पंडाल जो है या पूजा है वो बहुत अच्छी तरह से बीतेगी। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, और एक बिंदु में बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग घूमने जाते हैं, या ये संदेश पहुँचा दीजिए अपने टोला मोहल्ला में, अगर घूमने भी जाते हैं तो घर को खाली नहीं छोड़ें, कम से कम कुछ मेंबर घर पर रहें। ये नहीं कि सबको घूमने जाना है, एक दिन चले गए सब घर को खाली करके, ऐसा ना हो। तो ऐसा ऐसा माहौल में चोर चक्के लोग ज़्यादा अपना चांसेस बढ़ाते हैं, लेते हैं, उसमें थोड़े से ध्यान देने जा सकता। मैं खासकर थाना प्रभारी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, ये जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें पॉइंट नंबर 3 है, वो पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि सभी पूजा पंडालों में एक टावर बनाया जाए जिसमें 5 जवानों की बैठने की जगह हो, जो वहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए वहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखें। 4 सालों से इसका निर्माण करवाते हैं जिसमें अतिरिक्त खर्च भी आता है, लेकिन जो भी जवान वहाँ जाते हैं, किन्हीं को नागवार गुजरता है, वो वहाँ पे चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो टावर बेकार जाता है, जाया जाता है, उसमें जो पैसा खर्च किया जाता है वो जाया जाता है, क्योंकि वो टावर बनाया जाता है पुलिस पदाधिकारियों के लिए जो वहाँ गए हैं उस मंच पे जाएं, और जो पुलिस बल वहाँ जाते हैं वो कुर्सी लगा करके एक जगह बैठने का काम करते हैं। उनको ये चाहूँगा कि वो जिस समय भीड़ भाड़ का समय हो वो भ्रमण करें, टीवी अगर कोई सामाजिक तत्व वहाँ पे मौजूद हो तो उस पर लगाम लगाया जा सके। जो पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ वॉलंटियर्स ज्यादा से ज्यादा दें। वॉलंटियर्स के साथ बहुत सारे ऐसे समस्या उत्पन्न होती है, कई ऐसे दबंग लोग आते हैं जो वॉलंटियर से बच पड़ते हैं, उस समय भी पुलिस बल की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस बल वहाँ पे उस समस्या को सुलझाए। इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि थाना प्रभारी इसको पॉइंट आउट करें ताकि वो समस्या भी दूर हो। हमारे वार्ड पार्षद का मीडिया का आज दुर्गा पूजा के अवसर पर ये शांति समिति की बैठक रखी गई। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग शांति ढंग से इस पूजा को संपन्न करेंगे, और जो जो टर्म कंडीशन पूजा पंडालों में सरकार के द्वारा जो रखी गई है, जहाँ तक साफ सफाई की बात है, तो मैं इस तारीख को मेरी अपनी बोर्ड मीटिंग है, साफ सफाई हम लोग सुचारू रूप से करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। जहाँ तक अभी हुआ लाइट का भी हम लोग टेंडर कर चुके हैं, ओवरकोर भी देती है, एक तो उससे लाइट लग जाएगी, हम अगर होंगे तो डबल बिजली लगा करके लाइट लगवाएंगे। जहाँ तक ये बात है, अभी हम लोग सभी पूजा पंडाल में स्वच्छता अभियान के तहत वो हम लोग रखेंगे, क्योंकि कम प्लास्टिक यूज करें, पूजा पंडाल साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दें, और डस्टबिन की जो बात है वो हम लोग कहीं बिजली पानी के सवाल है, पानी तो अभी बार बार में लेने वाला नहीं है। बिजली की बात है तो इस बात को मैं जिला में भी रखूंगा और टर्मी का बात को भी मैं जिला में रखूंगा। 28 तारीख को जिला में 11 बजे बैठक है, वहाँ हम लोग इस बात को रखेंगे। बाकी शांति ढंग से किस तरह के त्यौहार को मनाया जाए, शांति समिति के सभी सदस्य अगर अच्छी तरह से इस तरह से हमारे एक अच्छा सुझाव है थाना की ओर से, माडी की ओर से,
की पूजा पंडाल के हम लोग नामित समिति के सदस्य हम जिनको वाले अगर घूम जाएंगे तो असामाजिक तत्व हो जो अपने हरकत में कभी बात नहीं आते वो अगर कभी भी चाहेंगे कि हम लोग ये करेंगे तो पाप मचाएंगे तो उन पर लगाम लग जाएगा। विचार विमर्श किया आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का जो गाइडलाइन मिला है जिला प्रशासन की ओर से वो सभी आप लोगों को आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक बिंदु पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसमें फ्रेश हो जाए। आपको पहला कि सभी पंडाल में जहां तक कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई अवांछित किसी तरह का कोई उसमें कोई किसी को मौका न मिल पाए। दूसरा बिजली का व्यवस्था इस तरह से करें कि निर्बाध गति से सीसीटीवी उसमें अटैच रहे, लाइन कटने पर भी वो जनरेटर से काम कर सके। नेक्स्ट है आपने जो बताया प्लेटफॉर्म रखने की बात, मैं निश्चित रूप से उस पर ऑफिसर को डिवाइड करूंगा ताकि भीड़ में से जो भी कोई चेन स्नेचर या मोबाइल स्नेचर अगर कोई एक्टिव तो रहता है तो उस पर उसको निगरानी रखी जाएगी। ये इस बात से मैं निश्चित रूप से कंप्लायंस कराऊंगा। इस पर मेरा तथ्य है कि आप जितने भी लाइसेंसधारी हैं कृपया लूज कनेक्शंस बिजली का नहीं रखने हैं। लूज कनेक्शंस बिजली का रखने से शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग होता है, इसके वजह से आग लगने का कारण। उसके बाद जहां बड़े पूजा पंडाल है उस पूजा पंडाल में जहां ज्यादा भीड़ होती है कम से कम वॉलंटियर्स को इतना कहें कि पुरुषों का लाइन और महिलाओं का लाइन एक साथ रखें और लोग चले गए फैमिली को लेकर के और दो घंटे के बाद घूम करके आया तो गाड़ी नहीं देख रहे हैं। तो इस बार आप लोग जो वॉलंटियर्स रखेंगे वो मैं वहाँ जो पंडाल है उस पंडाल में फ्लैक्सी बोर्ड्स और जो भी आपका जो डिस्प्ले करते हैं उसमें 100 नंबर डायल थाने का नंबर और जो भी वरीय प्रशासनिक का पदाधिकारी का नंबर जरूर डिस्प्ले करेंगे। आप जरूर लिखेंगे कि आप सीसीटीवी कैमरे के बगल में हैं। जो बच्चे लोग जो आप लोग देखे निकलते हैं उसमें क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है उसमें बच्चों के पॉकेट में दो जगह कम से कम मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट एड्रेस जरूर दीजिएगा कि कम से कम किसी को मिले तो वो मेरा समिति या कमिटी में जाकर उसको पहुंचा सके और उसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर किसी तरह का कोई रास्ते में बैग खिलौना कोई किसी तरह का कुछ आपत्ति जनक सामान मिलता है उनको छूने की जरूरत नहीं है। आप खाना को सूचित करें उसके लिए एक स्पेशल स्क्वाड है वो हम लोग उसे काम लेंगे। पंडाल है शहर में आप कोशिश करें कि कम से कम गाड़ियों का व्यवहार करें वाहनों का व्यवहार कम हो ताकि जो है अनावश्यक रूप से गाड़ियों का प्रेशर कम हो। ट्रैफिक की बात जो आपने कही है वो निश्चित रूप से ट्रैफिक हम लोग उसको डाइवर्ट करेंगे और इस तरह का इस बार मुकम्मल व्यवस्था करेंगे ताकि जो आपका जो गाड़ियों का जो प्रेशर होता है वो नहीं रहेगा। जैसे कुमारी के बड़ाओं ने बताया आपको कि सभी लोग उस दिन मेला और प्रसन्नता में रहते हैं जोश में रहते हैं कि फैमिली को लेकर जाएंगे घूमने के लिए। घर जो खासकर दूर दराज में है या कॉलोनी इलाके में है आप जान लें कि जितने भी आपके जो चोर या उचक्के या अपराधी तत्व के हैं वो भी ज्यादा एक्टिव कि कम से कम कुछ वैसे व्यक्तियों को आप रखें अपने पास घर में ताकि वो अलर्ट रहे। सभी आदमी एक साथ घर नहीं छोड़े। उसके बाद कम देखना है आप चलते फिरते मेला में यूज कम करें ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें अपने फैमिलीज पर अपने साथ होने वाले किसी तरह के
अपनी घटना का भी आप देख सके कि क्या जो फिक्स मार्क है आपका विमर्शन का विसर्जन का उसके उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ का इतिहास रहा है कि जब भी या कहीं का भी रहा है इतिहास कि जब भी कोई घटना घटती है तो विसर्जन के लिए ही किसी आपत्तिजनक नारा गाना या कोई इस पर और आपत्तिजनक टिप्पणी से ही ये होता है। जो खासकर जो शाम के दिन जो नीचे लोग जाएंगे उनसे मेरा व्यक्तिगत और आग्रह है कि उस दिन आप अपने डीजे वाले उन लोग अलग से हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे उससे उस दिन कोई आपत्तिजनक या किसी तरह का कोई ये नहीं गाना नहीं बजाएंगे। तो कोई मतलब आज के इस जो कंपटीशन यू ठंड कर दे इनका तो है पानी खत्म हो जाए पीछे से कुछ आग लगा दिया या कुछ कर दिया कुछ ऐसा सीक्रेट कर दिया जाती वो जो है वो आपका आप उधर डिस्टर्ब हो जाए आपका मेला आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो उस पर भी निगरानी रखनी होगी। वॉलंटियर्स को हर वो करता है वो मेरे को आप फोटो देंगे मैं उसको अभी प्रमाणित करके उसको दूंगा वो उस दिन यूज करेंगे ठीक है। उसके बाद तो इतना तो होना चाहिए कि आयोनी किचन आयोनी वेक्स या कुछ भी कुछ मतलब व्यवस्था रखिए ताकि उसको फौरी तौर पर उसको इलाज किया जा सके ये हाँ ये चीज तो कम होना ही होना और बल्कि ये सब अभी के सहयोग पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक तो काम करती है आप जैसे बोलेंगे हम लोग करेंगे जैसे उन्होंने कहा कि फोर्स को लगाइए लगाएगी लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है सहयोग आप सहयोग देंगे निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं हमेशा हम आपके साथ हैं। रहा 101 107 का तो 107 में मैं चिन्हित करूंगा मैं खुद इस बार चिन्हित करूंगा कि वैसे लोगों को लिस्ट में नाम नहीं रखा जाए जो कि निजन क्लीन है तो इन सब बातों को मैं इंश्योर करता हूं और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि और अगर कोई बातें अगर आपके जहन और दिमाग में आ रही है तो ये हम लोग एक थाना स्तर पर पूजा के एक इन्हीं सब बातों से बात के बाद हम अपना विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग और परस्पर सद्भाव और प्यार में अवश्य मिलेगा इस बार भी मिलेगा। धन्यवाद। परिवार की ओर से आप सबको चिकुंडा निवासियों को और हमारे जो बगल में ब्रकर हैं उन लोगों को दुर्गा पूजा की अनेक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। भगवान माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि इस वर्ष भी लोग दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाएं। दूसरी बात ये कि यहाँ की महिलाओं और खासकर जो युवा वर्ग की महिलाएं हैं से मेरा अनुरोध रहेगा कि पूजा के दिन वो खासकर जब संध्या में भ्रमण करने निकले तो अपने परिवार के साथी रहें मोबाइल को ऑन रखें और मोबाइल को हर हालत में अपने पॉकेट के किसी भी स्थिति में हाथ में लेकर ना चलें। कोई भी गहने सोना या किसी तरह का महंगा सामान गले में पहन के नहीं जाए जिससे कि वो मोटरसाइकिल स्नेचर को इसकी मतलब उसको आसानी रूप से खींच सकें। छोटी छोटी बातों को जहाँ भी जाएं वो खाना खाने या घूमने फिरने जाएं किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें किसी अनजान व्यक्ति के सामने खाना नहीं खाएं या कुछ कोई भी व्यक्ति कुछ देता है तो खाना ना खाएं गिफ्ट ना लें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अगर वो करती हैं तो निश्चित रूप से पूजा उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। इन सब बातों के साथ मैं उन्हें पुनः शुभकामना देता हूँ ताकि उनका पूजा मंगलमय हो। धन्यवाद। विधानसभा के चेयरमैन होने के नाते मैं चिकुंडा और झारखंड के वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा सभी को हार्दिक बधाई और घूमने के जाने के क्रम में महिला विशेषकर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि मॉक बिल्डिंग के बहुत सारे काम आ चुके हैं इसीलिए अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। और मैं चिकुंडा की ओर से अपने साफ सफाई से लेकर लाइट और सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखूँगा और आने वाले समय में जितने भी बड़े पूजा हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से मनाएँ और ये दुर्गा पूजा के बाद जो भी छठ कर हम शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे
और हमारे चिकुंडा के जितने जनता हैं, हमारे जितने पार्षद हैं, सभी सांसद को ढंग से मनाते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ।